हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आप थंबनेल देखकर इस वीडियो पर आ गए हैं तो मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना। इस वीडियो में मैं आपको टॉप के इंस्टीट्यूट्स बताऊंगा जो कि आपको इंडिया के हर एक स्टेट में मिल जाएंगे, और ये सभी इंस्टीट्यूट एक एग्जामिनेशन के अंडर आएंगे। ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग बहुत सारे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, एक एग्जाम दोगे इनमें से कहीं पर एडमिशन हो जाएगा, और सारे के सारे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हैं, और इनमें से बहुत सारे अंडर ग्रेजुएशन के लिए भी हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए स्पेशल वीडियो है, बाद में यूजी के लिए भी बनाऊंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं हम बेस्ट कॉलेजेस फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इस इंडिया में बहुत सारे क्या हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, विश्वविद्यालय हैं, जिसमें एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, सभी का नाम बता देता हूं, पूरी लिस्ट नीचे डाल दूंगा, चेक कर लेना। जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसके बाद में है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, कश्मीर, केरला, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ये सभी में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लगा देना इन सब के आगे, तो हर एक स्टेट में मिल जाएंगे लगभग आपको। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, और आपको इस तरह के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं जो ये टॉप यूनिवर्सिटीज बता दी। पूरी एक लिस्ट है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है, वहां जाकर डाउनलोड करोगे तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये कुछ टॉप के कॉलेज बताए। अब ऑब्वियसली सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, कितने लोगों का सपना होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने का? किसी का सपना है आप में से? अगर सपना हो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, या एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, या जेएनयू में पढ़ने का, तो इस वीडियो के कमेंट करके जरूर बताना। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारे यूनिवर्सिटीज अभी जो मैंने बताई, या आप अगर पीडीएफ डाउनलोड करके देख ली हो जो आपने इसमें पीडीएफ में दिया हुआ है, ये सारे एग्जाम और ये सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज एक एग्जाम के अंडर आते हैं, जिसका नाम है CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम टेस्ट, या कॉमन यूनिवर्सिटी एग्जाम टेस्ट जिसको बोलते हैं, CUCET बोलते थे उसको पहले। अभी ये सारे के सारे इसके अंडर आते हैं, और इसमें बेसिकली इस एक एग्जाम को देकर आपको इन सब में से आपको रैंक के हिसाब से एडमिशन मिल जाएगा। ज्यादा कोई टफ भी नहीं है, तो है ना कमाल की बात। एक एग्जाम की तैयारी करो, आपके स्टेट में जो भी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एडमिशन ले लो, और बहुत एकदम रीजनेबल प्राइस पर आपको फीस वगैरह। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है भाई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, फीस कहां से ज्यादा होगी? और इनमें से बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी भी हैं, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो ओवरऑल एक बहुत अच्छी चीज है। साथ ही मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की केमिस्ट्री में, CUET पीजी केमिस्ट्री के लिए बेसिकली, जो ये यूनिवर्सिटीज में अगर आप केमिस्ट्री करना चाहते हो, या फिर मैथमेटिक्स भी है और बायोलॉजी भी है, फिजिक्स भी है, अभी फिलहाल स्पेशल केमिस्ट्री का बता रहा हूँ, तो आपको IFAS IFAS कोचिंग के ऊपर जो है बहुत अच्छे से पूरा पैकेज मिल रहा है। मतलब मेरी तरफ सजेशन मान लो आप इस चीज़ को, अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो मेरी तरफ सजेशन मान लो, मैंने भी एमएससी किया है, बहुत सारी गलती किया है, तो अच्छा पैकेज है जिसमें आपको रिकॉर्डेड कोर्स, CUET हाइब्रिड कोर्स, लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लेक्चर सीरीज, टेस्ट सीरीज सब मिल जाएगा, जिसकी 30 जुलाई तक सारी चीजें डिटेल आपको यहां दिख जाएंगी, स्टार्ट डेट, प्राइस वगैरह। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, एक बार देख तो लो यार जाके कि कैसा है कैसा नहीं है, मन हो तो ले लेना, ओवरऑल बाकी जैसा जहां तक मैंने देखा है तो अच्छा है, ज्वाइन कर सकते हो। तो ये कुछ कॉलेजेस थे, इसके अलावा और भी टॉप के कॉलेजेस हैं, जैसे कि आपका IIT हो गया। IIT में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जाना चाहते IIT, क्यों, रीजन क्या है, MSc में क्यों नहीं जाना चाहते, क्योंकि वहां का जो MSc का एग्जाम है उसका नाम है IIT जैम, और उसमें क्या पूछा जाता है, बायोटेक का। अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो बायोटेक के एग्जाम में आपको बायो तो पूछेगा ही पूछेगा, आपको जो है 12th तक की मैथ भी पूछेगा, और आपको केमिस्ट्री पूछेगा ग्रेजुएशन तक की, फिजिक्स भी पूछेगा 12th तक की, तो कहां से पढ़ोगे इतना, सबकी कैपेबिलिटी उतनी नहीं है, सबकी अपनी अपनी है, मैं किसी को बुरा गलत बुरा नहीं कह रहा, लेकिन एक सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, तो आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, यहां से भी आपको 6 यूनिवर्सिटीज मिल सकते हैं उस लेवल के। दूसरा एक और एग्जाम है जिसके अंदर टॉप इंस्टीट्यूट आते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टिफर एग्जाम वो भी दे सकते हो, फिर जेस्ट वगैरह एग्जाम भी आप वो भी दे सकते हो, तो ये भी कुछ टॉप के इंस्टीट्यूशंस हैं। मैं छोड़ कुछ नहीं रहा, कुछ रह गया हो तो कमेंट करके बता सकते हो, उसकी जानकारी भी दे दूंगा आपको। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।